अंतिम मुकाम तक इस लड़ाई को पहुंचाएंगे। मुंगी सरकार को आवाज देने का काम करेंगे। ये सरकार गरीब गुरबों का नहीं है, ये लूटने का काम कर रहा है। हम लोग को ठग लिया, वादा करके 3 महीना के अंदर में जो है हम आपको घोषणा 11 सूत्री मांग पूरा करेंगे, लेकिन वो नहीं किए। ये जो बाहरी सरकार है, पिछले 2006 से हम सरपंच हैं, लेकिन अभी तक पंच सरपंच के लिए ये सरकार कुछ नहीं किए हैं। 100 रुपये का महीना मिलता है उससे सरकार, मतलब क्या रुपये कमाता है, कितना रोज है 1500। मंत्री ठग लिए, गौतम प्रसाद मुरारी ठग लिए। नमस्कार, आप एक्सटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के जनप्रतिनिधि यानी सरपंच उप सरपंच सरकार के खिलाफ आज गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से बीजेपी के MLC संजय मयूख यहाँ पर पहुंच गए हैं और तमाम सरपंच उप सरपंच से बात कर रहे हैं। और एक तरफ हम बात करेंगे और दिखाएंगे बिहार के जनप्रतिनिधि अब सरकार के खिलाफ में इस तरीके तो सड़क पर आ गए हैं ना। अब चाहते क्या है सरकार? सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? क्योंकि हमारे विधान पार्षद तरुण कुमार जी ने बातें रखी थी सदन में, बिहार सरकार इन पंच सरपंचों को जो प्राथमिक इकाइयां है उसको झुठला रही है। हमारा विरोध जारी रहेगा, हम अंतिम मुकाम तक इस लड़ाई को पहुंचाएंगे। लड़ाई लड़ते रहेंगे और बीजेपी लड़ेंगे, मुंगी सरकार को आवाज देने का काम करेंगे। कह रहे हैं कि विधानसभा विधान परिषद में क्या बीजेपी हमारी बात को उठाएगी? रख दिया, तरुण कुमार जी ने रखा है, रखा एकदम रखे और फिर अभी जाके तुरंत रखेंगे व्यवस्था पर। क्या लगता है, बिजली बिल भी महंगा हो गया है बिहार? बहुत ज्यादा महंगा हुआ है। ये सरकार गरीब गुरबों का नहीं है, ये लूटने का काम कर रहा है। संघ आवाज पूरा ही उठाएंगे, तरुण जी समस्तीपुर जिला से है, उठाएंगे आवाज एकदम उठाएंगे। और हम समस्तीपुर जिला के अध्यक्ष सरपंच संघ का, आप लोग क्या है? हमारा यही मांग है, 11 सूत्री मांग है। मुरारी प्रसाद गौतम जो है हम लोग को ठग लिया, वादा करके 3 महीना के अंदर में जो है हम आपको घोषणा 11 सूत्री मांग पूरा करेंगे, लेकिन वो नहीं किए। कौन ठग लिया आप लोग? 500 रुपये का महीना मिलता है उससे सरकार, मतलब क्या रुपये कमाता है, कितना रोज है 1500। मंत्री ठग लिए, गौतम प्रसाद मुरारी ठग लिए, बोले 3 महीना में वादा पूरा होगा, वादा नहीं पूरा हुआ। बीजेपी के MLC पहुंचे हैं, लगता है कि बात उठेगा विधान 100% उठेगा। अभी हमारे जो वर्तमान MLC है समस्तीपुर के तरुण कुमार, उन्होंने सदन में उठाया इस मामला को, लेकिन ये जो बाहरी सरकार है, पिछले 2006 से हम सरपंच हैं, लेकिन अभी तक पंच सरपंच के लिए ये सरकार कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। क्या जो पैसा दिया जाता है वो 10% लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला है, यह स्थिति हो गया है। देखिए किस तरीके से सरपंच उप सरपंच वो तमाम जनप्रतिनिधि जो गांव की सरकार भी हम उसको कहते हैं, वो पट्टा में इसी तरीके से धरना दे रही है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद चल रहा है और ऐसे में देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता पट्टा के गर्दनी बाग में पहुंच रहे हैं और पंच सरपंच और उप सरपंच का साथ देने के लिए पहुंच गए और सरकार पर जमकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना है कि जब बीजेपी विधानसभा विधान परिषद में बात को उठाएगी तो क्या सरकार इन सरपंच और उप सरपंचों का बात कब तक मानती है। बहरहाल इस खबर को सुनाइए, अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।